सरदार सुखबीर सिंह बादल। बिठाओ भी इन्हों पिछे लोगों दिखता नहीं यार। शर्मा बिठाओ उन्होंने, बैठ जाओ। गुरु प्यारी सात संगत जी, फतेह अर्ज करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों कल सानू आ खबर का जिक्र होया उदो ही असी फैसला कर लिया कि अबोर जाके आप धरना देना है सरकार के खिलाफ। ठोक ही रहा पंजाब, आप समझ नहीं रहे किड्डा वड्डा अपने ते हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार। आपको वरत रही है, अपने खजाने नू वरत रहे हैं, अपनी पंजाब की सारिया सहूलतों नू वरत रहे हैं, वरत के कर की रहे हैं। आम आदमी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के पंजाब के खजाने चो 750 करोड़ रुपया लेके जिहड़े जिहड़े सूबे च इलेक्शन लड़ना उत्ते हर रोज झूठ का एक इश्तहार दिंदे हैं। जिन्ने भी तुसीं सूबे देख लो जिथे इलेक्शन लड़े हैं 6 महीने पहले हर रोज इश्तहार आऊगा कि किवें पंजाब च असीं अमरीका बनाता, किवें असीं आ करता, किवें वो करता। उन्हां दे जिहड़े ही फैसले हो रहे हैं, फैसले कल्ले अपनी पार्टी नूं दूजे सूबियां तगड़े करन वास्ते हो रहे। अज जिहड़ा फैसला पानी दा है, क्यों है? राजस्थान दे इलेक्शन है, राजस्थान दे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो समझते कि पानी देके असी राजस्थान का इलेक्शन जीतिए, हरियाणा का इलेक्शन है। उन्होंने इंचार्ज ने प्रभारी ने कह दिता है कि सानू हरियाणा च ले आओ, एस वाई नहर बना के देवांगे। केजरीवाल ने आप कोर्ट भी डेफिनेट दिता है, हले भी आप समझ नहीं। इन्हों की गल्लां चाह जाएंगी, इन्होंने झूठ चाह जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਨਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ। ਆਹੀ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, 1% भी वोट नहीं आई, सारे जमानत जब्त हुई। आई झूठ गुजरात च बोलिया, जमानत जब्त हुई। फिर आप जिथे अपने सामने झूठ बोली जाते हैं, सारे प्रमाण पंजाब बर्बाद करता है, तो आप हले भी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इन्हों का कैरेक्टर की है? इन्हों के MLA का कैरेक्टर देख लो। थोड़े होर वाले ने जो करतूतां कीतियां थोड़े सामने, साढ़े जलालाबाद वाले दे बाप ने जो करतूतां कीतियां सामने, जलालाबाद दा MLA जो करदा करतूतां सामने। इन्हां दे जिहड़ा मंत्री कटारू चक वीडियो आ गई, सारी सारा कुछ ही प्रूफ आ गया। मंत्री अमित रमत्रा नूं लै लो, मानसिया लै लो, मैनूं लगदा है पता नहीं की हो गया। आप हले समझ नहीं रहे कि अपने केड़े है ते पराए केड़े है। मैं जदों सारा सूबे का, मैं मेरी आदत है कि मैं सारे सूबे के
हर साल की आमदन खर्चे देखता हूं ना, मैं बड़ा दुख लग रहा पिछले 8-9 साल 7 साल 5-6 साल दूजे सूबे इन्ने तरक्की के हो गए आप इन्ने पिछे चले गए हैं कि आप पता नहीं किड्डा वड्डे पिछे चले गए हैं। अपने नाल हरियाणा सूबा है आप तो पिछे होंगे सी पिछे जो आप सरकार छी ना बादल मुख उदो आप हरियाणे तो अगे सी आमदन च भी डिवेलपमेंट च भी अपने इतने 24 घंटे बिजली करती सी उत्थे कट लगते सी आप सड़कों का जाल बनाया तो उत्थे सड़क वाले शुरू भी नहीं हुई सी पर की होया 7 साल अज पंजाब की आमदन 2,000 रुपया सात महीने की है टैक्स तो उन्होंने आमदन 8,000 करोड़ है दो अपनी 2,000 करोड़ उन्होंने 8,000 करोड़ किन्ने टप गए अपने एक कोई नवी चीज बनी है 7 साल कोई नवी इट लगी है आप खुश हो जाने वो जी 300 यूनिट दे दे 300 चो तो 200 का आप ही देंगे सी दूजी गल बाकी अद्धे का तुम यूनिट ही नहीं देंगे सी तो सीधा काम ही सी फिर आप 300 यूनिट होया कि 300 यूनिट कोई तो नहीं लेके आए जी अच्छे हम उन्होंने वो पैसा खजाने चो इधर देता सड़क बंद करती पिंड गलिया नालिया बंद करती थोड़ा पानी बंद करता थोड़ा वो की हिसाब तो उठी रहना ना इतों दे लो तो इधरों कड़ लो कई दिन आई चली जाते हूँ 750 करोड़ रुपया इश्तहारों का एक साल लौड़े बजट कर की रहा जिन्ने टीवी चैनल है आहुन सही न्यूज नहीं दे रहे उन्होंने शाम बंदे बैठे होते कि आ खबर के एक भी खबर सरकार के खिलाफ लाई लाओगे थोड़ा अगला चेक महीने का नहीं होना मैनू कोई दस रहा जी कहता जी असली आवाज अज पंजाब की जी असली आवाज दसने वाला है वह कहता या PTC है या अजीत है तो उन्होंने भी इश्तहार बंद करते अस तो लेंदे नहीं सो उन्हें सब किसी को डर नहीं वो हूं दबा के डरा के विजिलेंस के जोर च हूं इन्होंने जलंधर बाई इलेक्शन हो पार्लीमेंट का सारे SHO नू सारे BDO नू नाल मंत्री ने कहा जी हर सरपंच को जाओ या लीडर को जाओ जे दारू का ट्रक जना भेज देंगे जो पैसे जो दे देंगे पर जे बोर्ड कटी आ विजिलेंस ना थोड़ा फाइल खोलूगा धक्के ना कि एक बार डर ला लोगे धक्के दस लोग बदला भी लेंगे अब ये सवा साल होया सवा साल होया झूठ से झूठ इतने आके थोड़े झोना मर गया नुकसान हो गया कोई मुआवजा नहीं फोटो 10 बंदियां नहीं खिचा के फोटो एक दी कहते मुआवजा लभ्या नहीं कोई लोग मेरे मगर मगर फिरते पिंड सानू टेलीफोन करो छड़ा मुआवजे नहीं आया मैं क्या नहीं देना नहीं आ नरमे फिर खराब हो गए थोड़े बाग देखो किन्ने खराब हो एक रुपया आया नहीं आया पिछले साल कणक खराब हुई एक रुपया नहीं दिता तुम आप देख लो पल्लू बड़े आए थोड़ा पानी कि आया जमीन च और मोटर मैं दिखाई पाइपा पुपा दे के पानी कटिया सर इन्हें तो एक रुपया नहीं दिता आए ही नहीं मुख्यमंत्री बकैन दे गया बकैन दे बंदे बैठे एक रुपया नहीं दे के गए मैं हूं कर कह के इतने इश्तहार ला दे थोड़े मूंगी बीज दो मैं खरीदूंगा थोड़े किन्ने मूंगी लाई थी लाई थी थोड़े साढ़े उधर सारे मूंगी लाई थी 2,000 क्विंटल कली खरीदी 1,00,000 क्विंटल हुई सी मूंगी रुल गई सारे की मूंगी रेट झोना ला लो इन्ना पैसे देवे उन्होंने आदत पै गई झूठ बोली जाओ मैनू एक इन्हों का आप वाला लीडर बहुत सीनियर मैंने मिले कि कहता जी जो दिखता है वह बिकता है मतलब असं रोज ही दिखाई जाने थोड़ा असं आह करता लोग कहते शहर यार बोर नहीं होया तो सब मुक्सर हो गया हो जो मुक्सर नहीं होया तो शहर
मोगे हो गया हो ऐनी पता कितने नहीं होया कितने नहीं होया आ डेढ़ साल हो गया कितने मुख्यमंत्री थोड़े पिंडा च आए या कितने थोड़े दुख तक दिखे श्रोमणी अकाली दल की सरकार देखो सरकार देखो बादल साहब मैं साढ़े मिनिस्टर सी थोड़े को ही रहते सी बादल साहब नु रात नु पता लग जांदा सी गले इस इलाके च पै गए डीसी नु नहीं पता लगता जी सवेरे हेलीकॉप्टर ते पहुंच जांदे सी सवेरे 8 बजे 9 बजे तक कि गड़े पए आ दसो की करना है मुख्यमंत्री आप अज जो खेती पंजाब च है देखो जे बचाई है खेती ते आपां अज खेतां च आपां जे आपां अपने खेतां च बाग लई बैठे हैं झूना लाने हैं कणक लाने हैं श्रोमणी अकाली दल करके आ जिन्नियां तसियां बनिया है श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बनाई है एक भी कांग्रेस की निशानी नहीं है या आपने तो की करना सी जिन्हें थोड़े ट्यूबवैल कनैक्शन मिले हैं सारी श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने दते है पक्के खाले की स्कीम श्रोमणी अकाली दल की है अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम की स्कीम अकाली दल की है सेम नाले कटन की स्कीम अकाली दल दसो कि सरकार ने एक भी सेम नाले कटे हुए श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद पहले याद करो एक्चुअली समस्या की होगी ना समस्या आ होगी कि जेडे हुन असली वोटर है जेडे 25 साल तो लेके 40 साल है उन्होंने वो दिन देखे ही नहीं उन्होंने पता ही नहीं कि उदों इत्थे टिब्बे होंदे सी इत्थे असी गड्डियां भी नहीं होंदियां सी सड़कां भी नहीं होंदियां सी जिहड़ियां बादल साहब ने हुण तो उन्होंने पक्कियां पकाईयां सड़कां दे दियां हुण तो कहिंदे कि आ बदलाव देखो जी नवीं चीज देखो ਉਹ ਔਖੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੈ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 15 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 800 ਹੋ ਜੂ 1000 ਹੋ ਜੂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਖੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸੰਦ ਖੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਜਾਊਗੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਊਗਾ ਹੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਸਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 55,000 ਹਲੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਬਜ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਨਰੇਟਰ ਇਨਵਰਟਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਮਿਲ ਜੇ ਇਨਵਰਟਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਿਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਬਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਆ ਏਮਸ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੱਪੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਕੱਛੀਆਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਛਕਣ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਛਕਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਘਟਾ ਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਕੇ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਲ ਬਣਨ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ 5 ਸਾਲ, ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ